हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनट की ड्यू SOL अपडेट। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपके रिजल्ट कब तक आएंगे। जो आपने मार्च में OBE एग्ज़ाम दिए थे उसका रिजल्ट कब तक आएगा, आपने अभी मई के अंदर अपने ओपन बुक एग्ज़ाम दिए तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, अगर आपने जुलाई में फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं AB तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और आप जो अभी अपने असाइनमेंट दे रहे हो अगस्त के, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप देख सकते हो मैं SOL की वेबसाइट पे हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि आपका रिजल्ट कहां पर आएगा तो मैं बताता हूं आपको। आपको सबसे पहले कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। कंटिन्यू टू वेबसाइट करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट में आपको यहां पर मार्कशीट के दो ऑप्शन दिखेंगे, एक मार्कशीट रिजल्ट CBCS UG और एक मार्कशीट रिजल्ट। ठीक है, अगर आपने OBE एग्ज़ाम दिए थे मई के अंदर तो आपके यहाँ पर रिजल्ट आएगा। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना SOL का रोल नंबर फिल करना होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करना होगा, आपका कौन सा कोर्स है वो फिल करना होगा, और आपको यहाँ पर अपना सेशन लिखना होगा। अभी यहाँ पर 2020 आ रहा है, जल्दी इस पर 2021 आ जाएगा जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होने स्टार्ट होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना पार्ट सेलेक्ट कर लेना, 100 पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी मार्कशीट खुल जाएगी। और अगर आप CBCS के स्टूडेंट हो तो आप यहीं पर ही देख सकते हो स्टूडेंट में यहाँ मार्कशीट रिजल्ट फॉर CBCS। अगर आपने मार्च के अंदर अपना एग्ज़ाम दिया है या आप उससे पहले दे चुके हो तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट खोल सकते हो। यहाँ अपना आपको SOL का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर टाइप करना, टाइप करने के बाद सर्च करोगे आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट का रिजल्ट कब तक आएगा। जिस भी स्टूडेंट ने मार्च 2021 के अंदर अपने ओपन बुक एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के थे चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के थे, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हमारी टीम ने खुद कॉन्टेक्ट करा था SOL में, तो उनकी साइड से एक ही इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका 15 सितंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो। और उन्होंने बोला है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो सितंबर से करी जाएगी, और बाकी जिस स्टूडेंट ने ओपन बुक एग्ज़ाम दिए थे अभी, जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे या जो भी एक्स स्टूडेंट है फाइनल ईयर के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट अक्टूबर में बताया गया है। हमारी टीम ने वो कॉन्टेक्ट करके पूछा था तो उन्होंने कहा था अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अक्टूबर में। और बात करते हैं जो अभी जुलाई और अगस्त में हुए हैं AB, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा, मिड नवंबर तक या एंड ऑफ नवंबर तक आप मान सकते हैं, फिर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पर गाइज हो सकता है रजिस्ट्रेशन इस बार पहले भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है इस सेशन में भी आपका विदाउट रिजल्ट ही पहले ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे, तो आपका हो सकता है रजिस्ट्रेशन पहले भी स्टार्ट हो जाए। गाइज हमारे ही मतलब एक स्टूडेंट ने इन्हें मेल करा था उनकी तरफ से कि सर SOL थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो उस फ्रेमराज सर की तरफ से एक मेल आया, मेल का रिप्लाई आया है। इनके मेल के रिप्लाई काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेट होते हैं, आप सभी को पता है इन्होंने जैसे जैसे बताया उस तरीके से हुआ है। तो इन्होंने यही लिखा है, डियर स्टूडेंट डिक्लाइड रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी द डिक्लेयर बाय द 10 सितंबर 2021, कि इन्होंने बोला है कि 10 सितंबर तक आएगा। बाकी मैंने भी आज SOL कैंपस में बात करी थी तो उन्होंने बताया है कि आपका 15 सितंबर तक फर्स्ट और जो भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप टेंशन ना लें, हमारी टीम ने पता करा है, आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी मार्किंग हुई है, काफ़ी लीनियंट मार्किंग करी है और ज़्यादातर स्टूडेंट को पास करने की कोशिश करी है। सभी बच्चे अच्छे मार्क्सों से पास हो, हमारी टीम आप सभी के लिए यही दुआ करती है। बाकी एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के साथ आ रही है सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ, वो और मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक बार। जैसे आप यहाँ आते हो क्वेश्चन पेपर पर, तो क्वेश्चन पेपर पर आप जैसे ही आओगे
आपको यहाँ पर नीचे आप जैसे बीए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करोगे, बीए प्रोग्राम के ऊपर करके एमआईएल के जो सब्जेक्ट है वो भी आपके अभी तक शो नहीं हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं कि सर हमारा ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर तो आया ही नहीं और हमें 18 तारीख को अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है। तो गाइज मैं इसके लिए आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि SOL है वो आपको अगर 17 तारीख की शाम तक आपका नहीं आता है तो आपको वो और टाइम दे देगा। लाइक आपको ये 18 तारीख की चेंज करके आपको कोई आगे की डेट दे दी जाएगी, 26, 27 या कोई और, अगर ये क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। बाकी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आज शाम तक अपडेट हो जाएंगे, आज शाम तक भी नहीं होता है तो फिर आप कल तक का वेट और कर लीजिए। अगर कल भी नहीं आते हैं ये क्वेश्चन पेपर तो फिर ये आपका पोस्टपोन तो नहीं होगा एग्ज़ाम, पोस्टपोन होने के वैसे बहुत कम चांस है, ये जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हो एक एक करके यहाँ पर थोड़े थोड़े अपडेट होने स्टार्ट भी हो गए हैं क्वेश्चन पेपर, तो ये आपका शाम तक अपडेट हो जाएंगे मोस्टली। अगर नहीं होते हैं तो आपका कल तक तो ज़रूर हो जाएंगे, बाकी जैसे ही होते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है SOLDU4ALL उस पर अपडेट कर दें। बाकी बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके गाइज, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय एंड टेक केयर।